नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट सोक चौधरी। आज कुछ से गलत से रिलेटेड अपन बात करेंगे। बहुत सारे लोग गलत जाते हैं, बहुत सारे क्या 70% 80% लोग गलत ही जाते हैं, क्योंकि यूरोप कंट्री में तो भैया इतने चांसेस होते नहीं है, हाई पढ़े लिखे लोग वही जा सकते हैं। तो आज अपन बात करेंगे, अगर आप विदेश जाते हैं गलत में, दुबई, कतर, मस्कत, ईरान, इराक, कुवैत वगैरह जो भी कोई कंट्री हो, बाकी हर कंट्री का नियम होते हैं, लेकिन इनका मैं खास तौर से बता दूं आपको, क्योंकि अपने वीडियो इसी से रिलेटेड बनते हैं। पांच में पॉइंट आपको बताऊंगा, अगर आप विदेश जाते हैं तो पांच कौन से ऐसे काम हैं जो आप न करें, अगर आप करोगे तो आपको इसका खामियाजा सजा उसको भुगतनी पड़ सकती है, जेल भी हो सकती है, या इंडिया आपको रिटर्न भी आना पड़ सकता है। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं, छोटा सा वीडियो बिल्कुल रखेंगे 5 मिनट का, 5 पॉइंट पे अपन बात करेंगे। अगर नए, क्योंकि जो रिटर्न है उनको तो पता होता है, फर्स्ट बार जो जाते हैं ना उनके लिए बहुत जरूरी होता है कि वो क्या ऐसी चीज न करें जिससे उनको कोई दिक्कत और परेशानी का सामना न करना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं विदेश में ये गलतियां न करें। पहला है झगड़ा। जी हाँ साथियों, देखो क्या होता है कि इंडिया है, इंडिया में अपन किसी से झगड़ा कर लेते हैं, एडजस्टमेंट हो जाता है, चल जाता है भैया। गलत में झगड़ा बिल्कुल न करें। अब बोलोगे सर ये तो सब पता होता है, भैया पता है, लेकिन फिर भी बताना जरूरी होता है नए लोगों के लिए, उनको पता नहीं है। तो बिल्कुल भी जब भी आप विदेश जाएं तो बिल्कुल किसी से अदर कंट्री में झगड़ा न करें। झगड़ा करोगे तो आपको प्रॉब्लम समस्या हो सकती है, टर्मिनेट कंपनी कर सकती है, जेल हो सकती है, पुलिस केस भी बन सकता है आपके ऊपर। तो बिल्कुल झगड़ा न करें, शांति से प्यार से। अपना काम क्या है, अपने को कमाने के लिए जाना है वहां पे, आराम से ड्यूटी गए वापस आके किसी झगड़ा भी करता है निकल लो, उसी में फायदा है। झगड़ा करोगे तो भैया दिक्कत आएगी फिर, ठीक है। चोरी न करें भैया गलत के मामले में, ये तो स्टिक है ना, नियम बड़े स्टिक है। चोरी करोगे तो बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलती है। इंडिया में तो चोरी का इतना नॉर्मली सा केस बनता है, 10 दिन में जमानत हो जाती है, लेकिन विदेश में ऐसा नहीं होता। चोरी का बहुत बड़ा मुकदमा बन जाता है वहां पे, फिर बंदे को पता है सजा काटनी पड़ती है, 4-4, 5-5 साल तक की सजा लड़कों को हुई है वहां पे। तो ये चोरी बिल्कुल भी न करें, लालच बिल्कुल मन पे न लाएं, वरना घर वाले भैया इंतजार करते रह जाएंगे आपके। नशा न करें गलत में, क्योंकि ये मॉडर्न कंट्री है, तो वहां पे बिल्कुल नशा करना अनवैलिड, बिल्कुल गैर कानूनी किया गया है। नशे में जैसे नॉर्मली नशा तो लोग करते हैं, जैसे बीड़ी, तंबाकू, ये सब कुछ है, लेकिन नॉर्मली में थोड़ा आप ध्यान रखें कम से कम, ठीक है। ड्रग्स हो गया, दारू या कोकीन जो भी होता है, पोस्ट वगैरह, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखें, थोड़ा इनके आप बचें। और अगर बहुत सारे लोग करते हैं उनके पास भी न बैठें, अगर उनके पास बैठे पकड़े गए, सुरता ने पकड़ लिया वहां की पुलिस ने, तो भैया केस आपके ऊपर भी बनेगा फिर गए लॉन्ग टाइम के लिए अंदर। तो इन चीजों का ध्यान रखें आप। पोर्न मूवी, ये जो गंदी फिल्में पोर्न मूवी होती हैं, जो आपत्तिजनक जिनको अपन बोल सकते हैं, इंडिया में तो धड़ल्ले से लोग देखते हैं, मोबाइल में भी होता है, वहां पे ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पोर्न मूवी आप अपने मोबाइल में नहीं रख सकते, आप नहीं चला सकते, ये बिल्कुल गैरकानूनी है। हालांकि लोग सब कुछ करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, करते हैं, लेकिन कानून की नजर में इंडिया में गलत नहीं है, लोग देखते हैं, लेकिन वहां गलत है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। पोर्न मूवी वगैरह में बिल्कुल कैसी कोई शिकायत हो गई या पुलिस को किसी ने बोल दिया तो आपके लिए प्रॉब्लम समस्या खड़ी हो सकती है। आगे, जिस धर्म मुल्क और धर्म की इज्जत करना। जी हां साथी, इंपोर्टेंट वर्ड ये है, गलत में जो कंट्रियां हैं ये अपने मुल्क और धर्म की इज्जत खुद भी करते हैं, दूसरे से भी आशा करते हैं कि आप उनकी धर्म की रक्षा कर, इज्जत करें, मुल्क की इज्जत करें, मुल्क के खिलाफ कुछ गलत नहीं बोल सकते या फिर उनके धर्म के खिलाफ कोई गलत टिप्पणी नहीं कर सकते। अगर आपने कर दी, कोई कमेंट कर दिया फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, या मुल्क के लिए कोई गाली वगैरह दे दी, तो आपके लिए प्रॉब्लम समस्या खड़ी हो सकती है, 100% केस बनेगा और आपको अंदर जाना पड़ेगा, और इसकी सजा भी लंबी होती है। ये मैंने बिल्कुल शॉर्ट किए हैं, बाकी इससे रिलेटेड और भी अपन वीडियो में बात करते रहेंगे। आज मैंने 5 पॉइंट पे कोर किया आपको बताया है। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करते हैं, अन्य साथियों को जो एक बार नए जो पहली बार जाते हैं उनको पता नहीं होता, और फिर भी आपका कोई कमेंट है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको आंसर दूंगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले, हर रोज ऐसे टॉपिक पे वीडियो आते रहेंगे जिससे आपको सही जानकारी और मोटिवेशन जानकारी आपको मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम।